अभिनेता राघव जुयाल है तो एक बार फिर से खलनायकी में दमखम देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल की फिल्मों में जो खलनायक देखने को मिलते हैं उन्हें अच्छे से सिनेमेटोग्राफ नहीं किया जाता। खलनायक एक ऐसी चीज है जो फिल्मों को लोकप्रिय करने में सच में कारगर बात साबित होती है। एक्शन थ्रिलर युद्रा सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसमें सिद्धार्थ चतुर्वेदी की प्रमुख भूमिका देखने को मिलती है। राघव जुयाल खलनायक की भूमिका में होने के कारण बहुत सारे फैंस ने इसका लंबे समय से इंतजार किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से फिल्म फीकी पड़ती हुई नजर आती है। चलिए आज इस वीडियो में उन्हीं कारणों के ऊपर चर्चा करते हैं। फिल्मों के नायक की प्रेजेंट डे की या ज्यादातर अतीत की कोई ऐसी घटना होती है जो उसे खलनायक से टक्कर देने के लिए जरूर उकसाती है। फिर फिल्म को क्लाइमैक्स तक ले जाते जाते एक्शन के साथ में रोमांस आता है, नाच गाना आता है, धोखेबाजी, प्रतिशोध और पुलिस का भ्रष्टाचारी एंगल भी देखने को मिलता है। राइटर श्रीधर राघवन के द्वारा लिखी गई इस कहानी में वो सभी मसाले देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी के फ्लो के हिसाब से जो जहाँ पे रिजल्ट देखना चाहिए था वहाँ पे उतने सारे इमोशन बनाने में ये फिल्म फीकी पड़ती हुई नजर आती है। कहानी के दो सीन्स के बीच में जो इरेगुलरिटी देखने को मिलते हैं वो आपके मजे को सच में किरकिरा कर सकती है। कहानी की शुरुआत से ही युद्रा को गोली लगने के कारण उसके सीक्रेट्स अनफोल्ड होना चालू हो जाते हैं। नार्कोटिक्स में काम करने वाले उसके माँ पिताजी किसी दुर्घटना में मारे गए थे, इसी कारण से उसके पिताजी के करीबी दोस्तों ने उसकी परवरिश की थी। युद्रा की खतरों से खेलने की आदत को देखते हुए पिताजी समन रहमान चाचा उसे पुणे के NCTA में भर्ती कर देते हैं, लेकिन इसी बीच में एक घटना ऐसी घटती है जिसमें उसके रहमान चाचा उसे उसके पिताजी की मौत की सच्ची कहानी बताते हैं। वो दुर्घटना नहीं थी, किसी साजिश के तहत उन्हें मार दिया गया था, लेकिन तब अपने पिताजी के हथियारों को मारने के लिए वो एक अलग ही मिशन पे चल पड़ता है। इन सब के बीच में युद्रा कैसे बच जाता है, रहमान चाचा के गायब होने के पीछे की असल क्या वजह होती है, फिरोज के युद्रा से पास में क्या कनेक्शन देखने को मिलते हैं, या युद्रा के पिताजी के असली कातिल कौन है, इन सारे सवालों के आपको फिल्म में जरूर जवाब मिलेंगे। रवि उदेवल डायरेक्टर युद्रा की इस कहानी में बहुत सारा रायता फैलाव देखने को मिलता है। उसे समेटते समेटते पूरी फिल्म कब की निकल जाती है ये आपको भी पता नहीं चलता है। फिल्म शुरुआत में जितनी तेजी से आगे बढ़ती रहती है फिल्म के किरदारों से आपका जुड़ाव थोड़ा भी महसूस नहीं होता है। इसी बीच में युद्रा अपने माता पिताजी के बारे में एक बार भी जानने की कोशिश नहीं करता है, ये बड़ा सवाल उठ कर आता है। और एक फिरोज को जितना खूंखार बताया गया है उतना वो असल में लगता भी नहीं है। फिरोज और युद्रा के बीच वाले टेंशन वाले फाइट वाले सीन कहीं पे भी प्रभावी नहीं लगते हैं, बस आप उसे देखते ही जाते हो और देखते ही जाते हो। युद्रा के पिताजी के मित्रों में से गजराज का पात्र, इनसे जुड़े कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको फिल्म में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते हैं। युद्रा के कोर्ट मार्शल का सीन भी बहुत ही कमजोर लगता है, तो दूसरी ओर निकट और युद्रा की प्रेम कहानी कहीं पे भी लुभावनी नहीं लगती है। एक्शन के नाम में फिल्म में जो देखने को मिलता है उसमें थोड़ी भी लॉजिक ना ढूंढने की कोशिश करें तो ही बेहतर हो सकता है। और तो और फिल्म में जो गाने देखने को मिले हैं वो जबरन ठूसे गए ऐसा लगता है, अलग की तो बात ही मत पूछो। लेकिन आजकल की फिल्मों में एक्शन को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया जाता है वो सच में बेहद ही एंटरटेनिंग लगता है। अब बात करते हैं फिल्म के मुख्य किरदारों के अभिनय की। पहली बार एक्शन करते हुए सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने अपने गुस्से स्वभाव को पर्दे पे बखूबी उतारा है, उनका एक्शन करने का तरीका लोगों को पसंद आ रहा है। वहीं पे अभिनेत्री मालविका मोहनन की ये पहली हिंदी डेब्यू फिल्म है। फिल्म में रोमांस और प्यार करने वाले दृश्यों को छोड़कर उनके हिस्से जो भी एक्शन आई है उसे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। फिरोज की भूमिका में राम कपूर को और भी खोपना करने की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन बॉलीवुड की बाकी की फिल्मों की तरह ही ये विलन भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। फिल्म किल के बाद में कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग में आ चुके राघव जुयाल फिल्म युद्रा में आपकी अपेक्षाओं को पूरी तरह से 100% पूरा करते हुए नजर आते हैं। शिल्पा शुक्ला का भी फिल्म के राइटर डायरेक्टर ठीक से उपयोग कर नहीं पाया ऐसा लगता है। फिल्म के एक्शन की तरह ही फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया और शानदार है। मुंबई पुणे जैसे शहरों में ड्रग के व्यवहारों में घूमने वाली इस फिल्म की कहानी जब शंघाई पोर्तुगीज में जाती है तो फिल्म की कहानी के बजाय आपको फिल्म के लोकेशन ही को ज्यादा ही पसंद आने चालू हो जाते हैं। जहाँ पे फिल्म का ये हाल है तो वहाँ पे उसके संगीत की बात ना करें तो ही बेहतर हो सकता है। बाकी दोस्तों युद्रा ये फिल्म आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।